तो हेलो गाइज, वेलकम टू आरएस ब्लॉग। फिर से आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ये हैदराबाद ब्लॉग का मतलब पार्ट 3 है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ढाबा है, यहाँ पे रुके हैं अभी हम। यहाँ पे अभी हम रुके नहाने के लिए। वहाँ पे जो देख रहे हैं सब ड्राइवर सब नहा रहे हैं जो गाड़ी, वहाँ पे अभी हम सब नहाने के लिए रुके हैं। नहा के फिर यहाँ पे फ्रेश होके 1 घंटा बाद निकलेंगे। अभी जो ये हाईवे के पास हमें खड़ा है, या पीछे पहाड़ देख सकते हैं आप। ये मध्य प्रदेश से, ये पहाड़ पे ही है सारा मध्य प्रदेश स्टेट। अभी हम जा रहे हैं नहाने के हम बात करते हैं आप सबसे, मिलते हैं फिर गाइस। तो अभी हम नहा के रेडी हो चुके हैं। अब वो ड्राइवर भैया अभी सोए हुए हैं, तो वो मतलब अभी शायद आधा घंटा या 40-45 मिनट अभी और सोएंगे बोले हैं। सो के फिर निकलेंगे। अभी हम NH पे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे आप गेहूँ सब देख सकते हैं, यहाँ की खेती देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बारिश टाइम में, जब बारिश होती है तभी यहाँ पे पानी रहता है, उसके बाद पानी नहीं रहता है। यहाँ पे आप पीछे पे देखिए वो पहाड़ सब है, यहाँ चारों साइड पहाड़ ही पहाड़ है। आपको ये MP सिर्फ पहाड़ पे ही है, MP पूरे पूरे चारों साइड पहाड़ से घिरा हुआ। आप शुरुआत में आप पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि जब हम पहाड़ पर चढ़ाई किए होंगे, तो इस साइड देखिए इस साइड सारा जंगल ही जंगल है। गाइस तो हम आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस तो ये अभी देख सकते हैं, अभी मैं पहाड़ पे हूँ। मैं यहाँ पे खाना खाने उतरा रुका था, तो साइड में पहाड़ थे, तो मैंने पहाड़ पे चढ़ गया। आपको पहाड़ का व्यू दिखा देता हूँ। ये वहाँ पे हमारी ट्रक लगी है, यहाँ नीचे खेत, यहाँ पे पहाड़। प्लान में चेंज हो गया कि वो अंकल बोले कि चलो 50 किलोमीटर 7 बजे चलते, वहाँ पर कोई ट्रक मिलेगी तो उसी में बैठा देंगे। यही मैं अभी खाना खाने रुका था तो ढाबा पे, तो पहाड़ थी बगल में, तो मैं पहाड़ पे चढ़ गया। ऊपर में देखिए पहाड़ का व्यू सारा। गाइस तो अभी हम आए अंकल जी के ट्रक में। हम जिस ढाबे पे रुके थे खाने के लिए, तो वो जो आप पिछले जो हम ट्रक में बैठे थे उनके वो दोस्त है ये, तो मतलब वो वहाँ पे रुके थे, इनके ट्रक को पहचान गए। तो वो बोले क्या कि ये ट्रक नागपुर तक जाएगी, तो मेरे को इन्हीं के ट्रक में बैठा दिए। तो बोले यहाँ ये नागपुर तक चले जाना। आपका नाम क्या अंकल जी? रंजीत यादव। इनका नाम है रंजीत यादव। ये अंकल जी हमको नागपुर तक छोड़ेंगे। आप ऐसे कब से गाड़ी चला रहे हैं? कब से ट्रक चला रहे हैं? 19 साल। ये 19 साल से अंकल जी चला रहे हैं। वो अंकल जी चला रहे थे 23 साल से। यही तभी मैं इन्हीं के साथ नागपुर जाऊंगा एंजॉय करते हुए। तो आप सबसे मिलते हैं हम रास्ते में। तो अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं। ये हम चाय पी रहे हैं। अभी हम मुँह सब धोए हैं अभी, चाय पी रहे हैं अभी। वही अंकल जी ने मेरे को चाय के लिए इनवाइट करा, तो अभी हम चाय पियेंगे फिर से आप निकलेंगे। देखिए होगा तो रात में आज फिर ट्रक में ही सोएंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे। सोच रहे थे कल पहुँचेंगे, लेकिन कल शायद नहीं पहुँच पाएंगे, देखते हैं फिर। अब ज़्यादा चांस कल नहीं, परसों ही पहुँचेंगे, वही होगा। क्योंकि हैदराबाद से 180 किलोमीटर पहले ही ये टर्न ले लेंगे, तो वहाँ से फिर मेरे को दूसरा गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। ये अभी हम NH के पास रुके हैं, ठीक है। अब सबसे मिलते फिर थोड़ी देर बाद। गाइस तो ये आज रात का मेरा खाना, आलू गोभी टमाटर, ये रोटी, ये अंकल जी ने बनाया अभी खाना। अभी ये देखे होंगे इन्हीं के साथ जो हम आ रहे हैं उधर पीछे से, नागपुर से बहुत पीछे से आ रहे हैं इन्हीं के साथ। यही हमारा आज रात का खाना है। तो आप सबसे हम खाने के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। आज अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं टब, यहीं पर अभी हम नहाएंगे। भैया थे भैया वहाँ पे हट गए अपना। अब इसी पानी में, अभी ठंडा पानी है, इसी में अभी हम नहाएंगे, तो नहा के रेडी होंगे। तो आप सबसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो ये रहा मेरा आज रात, आज सॉरी अभी का खाना मेरा, ये देख लीजिए, ये था मेरा अभी का खाना। ये रोटी हो गया, जैसे अभी खाना खाने के बाद मिलते।
गाइज अभी हम एनएच पे हैं, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो प्राण तक कोई लिफ्ट मिल जाए, फिर वहाँ से 85 किलोमीटर रहेगा दूर, तो वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे लिफ्ट का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो फिर वहाँ से मैं बस पकड़ लेता, एक और लिफ्ट मिल जाए तो प्राण तक। यहाँ से 190 किलोमीटर दूर है हैदराबाद। धूप तो इधर बहुत ज़्यादा है बिहार के हिसाब से, इधर बिहार में तो इतना नहीं रहता, बट इधर बहुत ज़्यादा है। स्किन पूरा काला काला का, बॉडी जला रहा है। अब प्यास तो उतना ही ज़्यादा लग रहा है, तब पर भी क्या करे। आज फाइनली यही ट्रक मेरे को मिली थी हैदराबाद, यही जाएगी ट्रक, मैं इसी से जा रहा हूँ। ये अंकल ने मना कर दिया वीडियो शूट करने के लिए उनके साथ, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं करा। ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शौचालय है, शौचालय वहाँ पे, वो शौचालय करने गए वो शौचालय में, इसलिए मैंने छुपा के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। इसी से मैं हैदराबाद पहुँचूँगा 2 घंटे में। यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर दूर है। मेरे को ना 60 किलोमीटर पहले ही लिफ्ट मिला था इनके गाड़ी से, इसलिए अभी कम से कम 115 किलोमीटर तो दूर है यहाँ से हैदराबाद। तो यहाँ पे फिर मैं हैदराबाद पहुँच के आप सबसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं इनके सामने तो वीडियो बना नहीं सकता, इन्होंने मना कर दिया, तो इनके परमिशन के बिना नहीं बना सकते, बट वो अभी है नहीं, तो हम बना लिए हैं। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। आज तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी हम मिर्चल में हैं। वो अंकल जी मिर्चल से दूसरी जगह जाते अपना, वो मार्केट की तरफ नहीं जाते, तो अभी मैं यहाँ से बस पकड़ूंगा 229 नंबर। वो अभी पंजीकोटा बंजारा हिल्स होते जाएगी, तो बंजारा हिल्स में मैं उतरूंगा, तो इसलिए आप सबसे मैं बस में मिलता हूँ। गाइस तो डायरेक्ट बस नहीं मिली बंजारा हिल्स के लिए, तो अभी सिकंदराबाद स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से फिर बंजारा हिल्स के लिए बस लेंगे। ये हम बैठे हैं इससे तो अभी अच्छा तस्वीर, इसलिए आप सबसे मिलते हैं बंजारा हिल्स वाले बस में। गाइस तो आप देख सकते हैं अभी हम सिकंदराबाद स्टेशन पर अभी यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ तो हम बंजारा हिल्स के लिए ओला बाइक को अभी बुक करेंगे, यहाँ पेट्रोल पंप है, यहीं का लोकेशन हमसे, तो यही अभी गाड़ी है, बाइक आएगी ओला बाइक, तो अभी हम ओला बाइक से बंजारा हिल्स जाने वाले हैं। देखते हैं अभी हम रोड पे है, तो ओला बाइक आती है तो हम बात करते हैं। तो अभी ओला बाइक में तो ये है, इसी में अभी हम जाएंगे। हम पहुंच गए फाइनली, हम अब पहुंच गए हैदराबाद। मेरा सपना पूरा हो गया, बिना पैसे के ट्रैवल से 25 रुपया खर्चा हुआ ये बस में। मैं के कहीं ओला बाइक भैया बुक किए थे 25 रुपये में बिहार से हैदराबाद। तो मेरे 4 ब्लॉग जो जो नहीं देखा वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, सब सारा वीडियो देखेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, तब मैं ब्लॉग को इन कर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।